हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. दिस इज योर मेंटर राजेश नकदे. और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ. ये है फैक्टोरियल नोटेशन में किसी प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करना. एक एग्जांपल के तौर पर अगर 10 फैक्टोरियल देखो तो ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. बट आई वॉन्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 10 फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ द प्राइम नंबर्स ओनली. सो देयर फोर 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, 9 can be written as 3 into 3, 8 can be written as 2 into 2 into 2, 7 is already a prime number, 6 can be written as 2 into 3, 5 is prime number, 4 can be written as 2 into 2, 3 is prime number, and then 2, and 1 is not a prime number. Okay, fine. So these are the factors of the 10 factorial, and these factors are only prime numbers. So let's see the exponent of 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. 2 जो है वो 8 टाइम्स आया है. 3 को देखते हैं, 1, 2, 3, 4. 3 का एक्सपोनेंट 4 है. 5 को देखते हैं, 5, 1, 5, 2, ओके, 5 की पावर 2. एंड 7 को देखते हैं, 7, 1, यस, 7, 1. So as you can see that 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 8 है. मतलब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन 10 फैक्टोरियल इज 8. लाइक दैट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 3 इन 10 फैक्टोरियल इज 4. एंड लाइक दैट द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 7 इज 1 इन 10 फैक्टोरियल. ये तो बात क्लियर हो गई. तो अब अगर 10 फैक्टोरियल में हमको इतना टाइम लगा है तो कैन यू इमेजिन कि अगर 100 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 2 या प्राइम नंबर 3 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा. 1000 फैक्टोरियल में मुझे प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा चेकआउट करना. तो इसको हम कोई दूसरी टेक्निक से मैं आपको अब एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. और वो टेक्निक क्या है? अच्छा, पहले एक बात को तो नोट कर लो कि जैसे मैंने बोला कि जो 2 का एक्सपोनेंट है, 2 का एक्सपोनेंट 10 फैक्टोरियल में 8 है और 3 का एक्सपोनेंट भी हमने देखा 10 फैक्टोरियल में 4 है. मैं इसी को दूसरे टेक्निक से आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत आसान होगा. पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर ये 2.5 है तो मैं 2.5 को 2 प्लस 0.5 लिखता हूँ. इसको मैं 2.5 का इंटीग्रल पार्ट बोलूँगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2, करेक्ट. और इसको मैं बोलूँगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5. तो फ्रैक्शनल पार्ट आप 0 और 1 के बीच में रहता है इंक्लूडिंग 0, और ये इंटीग्रल पार्ट हो गया 2.5 का. अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट. तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है या फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो. इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा इंक्लूडिंग 0. अच्छा, अब चूंकि आपको यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फैक्टोरियल नोटेशन में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालने का काम कर रहे हैं, तो अब नेगेटिव नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट कैसा होगा मैं फिलहाल इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा. जब मैं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा फंक्शन में तो फिर वो सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा. फिलहाल ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि 2.5 जो है उसमें इंटीग्रल पार्ट 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, 2 में इंटीग्रल पार्ट 2 है, 0 फ्रैक्शनल पार्ट है. इसको रिप्रेजेंट करने का कैसा है वो भी देख लेते हैं कि ऐसे मैंने लिख दिया बॉक्स, ये 2.5, ये जो 2.5 है ना और इसका जो बॉक्स है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5, ठीक है, और दैट इज 2, करेक्ट, ठीक है नहीं? ओके, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये जो बॉक्स ऑफ 2 लिखा है मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 विच इज 2, करेक्ट, ठीक है. तो इंटीग्रल पार्ट कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का, ये बहुत आसान है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है. तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं चेकआउट कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन मेरा क्या है कि 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर की बात करेंगे हम, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या हम करेंगे कि जो 10 फैक्टोरियल है तो 10 है ना, 10 को 2 से डिवाइड कर दो। 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद में आप उसका बॉक्स ले लो। तो 10 का जब आप 2 से बॉक्स लेंगे तो आपको मिलेगा 5, और 5 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो 5 है। फिर आप क्या करो, 5 को 2 से डिवाइड कर दो और उसका बॉक्स ले लो, ठीक है। तो उसका बॉक्स लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2.5, मतलब 2 हो जाएगा। फिर आप 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो फिर आपको मिलेगा 1, और फिर 1 को 2 से डिवाइड नहीं करना, अब इसके नीचे नहीं चले जाना है। तो अब आप देखेंगे कि ये 5 + 2 + 1 ये टोटल कितना आता है, 8। तो देखो 8 आ गया एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, जो हमने एक्चुअल फैक्टोराइज करके चेकआउट किया था। और मैंने आपको ये टेक्निक बताई है जिसमें हमको ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर्स का टेक्निक लगा रहे हैं कि 10 में अगर एक्सपोनेंट ऑफ 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 चेकआउट करना है तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो और उसका बॉक्स ले लो। तो 5 आएगा, 5 का बॉक्स 5, फिर 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो फिर उसका बॉक्स ले लो, तो इसका बॉक्स 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दो, और ये कहाँ तक चलना है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप एक्सपोनेंट ऑफ 2 चेकआउट कर रहे हैं 10 फैक्टोरियल में, तो ये 1 तक आएगा, यहाँ तक के आपको रुक जाना है। ये फैक्टोरियल अपना एक्सपोनेंट ऑफ 2 8 आ गया। चलिए अगर ये बात सही नहीं है, एक और इससे भी चेकआउट करके देख लेते हैं कि क्या इसमें भी वैसे ही वर्क करता है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल निकालना है, मतलब 10 को 3 से डिवाइड कर दो और फिर उसका बॉक्स ले लो, तो ये तो आ जाएगा 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दो और उसका बॉक्स ले लो, ये आ गया 1। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो ये दोनों को ऐड कर दो, ये 4 आ गया। तो 4 होगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल, जो कि हमने चेकआउट किया था ओरिजिनल फैक्टोराइज करके। तो इसका ये मतलब हो गया कि अब हम किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बड़े से बड़े फैक्टोरियल नंबर में, फैक्टोरियल नोटेशन में। गॉट द पॉइंट? तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, और अब देखते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि एक्सपोनेंट ऑफ 2, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में निकालना है, मतलब 100 को पहले 2 से डिवाइड कर दो, उसका बॉक्स ले लो, कितना है बोलो, 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसका बॉक्स ले लो, कितना है बोलो, 25। और फिर आप 25 को 2 से डिवाइड कर लो, उसका बॉक्स ले लो, कितना आएगा, 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड कर दो, उसका बॉक्स ले लो, कितना आएगा, 6। फिर आपने 6 को 2 से डिवाइड कर देना है, उसका बॉक्स ले लो, 3, करेक्ट है। और फिर आपने 3 को 2 से डिवाइड कर देना है, उसका बॉक्स ले लो, 1। यहाँ तक आके आप रुक जाएंगे, करेक्ट है। और अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, इनको अब आप ऐड करेंगे तो 97 आएगा। चेकआउट करते, ये हो गया 75, 77, 87, 87 एंड 3 कितना हो गया, 90, 96 और ये 197। सो द एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल इज 97, डियर स्टूडेंट, 97। तो आप देखो कितने आसानी से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट है कि नहीं। तो आप एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 1000 फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं, और इतने आसानी से आपने इसको कैलकुलेट किया। चलो एक्सपोनेंट ऑफ 3 देखते हैं इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 देखेंगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल अगर आपको चेक करना है तो 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसका बॉक्स ले लीजिए, तो ये तो 33 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। 33 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसका बॉक्स ले लीजिए, तो ये 11 हो जाएगा। 11 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसका बॉक्स ले लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा। और 3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसका बॉक्स ले लीजिए, 1। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, तो ये टोटल जो होगा वो एक्चुअली में एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल होगा। तो आप देखते हैं, ये तो हो गया 47, 48 होगा, करेक्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन 47, 48, फाइन। तो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम जो प्राइम नंबर नहीं है उनके भी एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं किसी फैक्टोरियल नोटेशन में? हाँ बिल्कुल निकाल सकते, कैसे निकालेंगे उसको चेक करते हैं। अब अगर मुझे माना जाए एक्सपोनेंट ऑफ 10 देखना है, एक्सपोनेंट ऑफ 10
100 फैक्टोरियल। अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभी जो मैंने टेक्निक आपको बताई थी वो प्राइम नंबर के लिए। तो आप क्या करो, 10 को फैक्टोराइज कर दो प्राइम नंबर में। करेक्ट है, एवरी नंबर कैन बी फैक्टोराइज इन टर्म्स ऑफ द प्राइम नंबर, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया 2 × 5। अब इसमें ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो क्या हम 2 का एक्सपोनेंट देखेंगे कि 5 का एक्सपोनेंट देखेंगे कि दोनों के एक्सपोनेंट देखेंगे? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा इसके फैक्टर्स में, हम उसका एक्सपोनेंट देखेंगे, वो जितनी बार आएगा उतनी टाइम्स 10 आएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो जस्ट फाइंड आउट द एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल दैट विल गिव द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। करेक्ट है, तो ठीक है साहब। तो वो तो मालूम ही आपको, 100 को 5 से डिवाइड कर लीजिए उसका बॉक्स ले लीजिए 20, 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए उसका बॉक्स ले लीजिए 4। अब ये 5 से छोटा आ गया, आगे बात नहीं, आगे डिवीजन बंद हो जाएगा, तो टोटल 24। सो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जितने फैक्टर्स 10 के होंगे 100 फैक्टोरियल्स में, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो कैसे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। अब ये बात आ गई, अब 100 फैक्टोरियल को पूरा एलाबोरेट कर लीजिए आप, और फिर वो इतना बिगर नंबर होगा, और फिर वहाँ पे आप पता करेंगे कि उसके एंड में कितने जीरोज है, बहुत इम्पॉसिबल दिखता है। तो फिर यही टेक्निक यहाँ काम आएगी। तो 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि 100 फैक्टोरियल में 10 के कितने फैक्टर्स है, और 10 के फैक्टर्स को निकालने के लिए हमको उसमें 5 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 × 5 है। तो जितने 5 का एक्सपोनेंट होगा उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि 10 का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में इतना होगा। गॉट द पॉइंट? तो आपने क्या करना है, फिर 10 का ये 2 × 5 जिसमें बड़ा प्राइम नंबर 5 है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल देगा वो आया 24। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल 24। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर, सो 24 जीरोस जीरो आर देयर इन 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल एट द एंड एंड्स में, हां 24 जीरोस आर देयर इन एट द एंड ऑफ लास्ट में जो एंड में जो जीरोज होंगे वो एक्चुअली में 24 होंगे। आई होप दैट ये बात क्लियर ही होगी। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। फाइन, अगर मान लीजिए मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 108 फैक्टोरियल, तो 12 के प्राइम फैक्टोरियल्स की बात करेंगे तो 2 × 2 × 3 होता है, तो 3 ये प्राइम नंबर सबसे बड़ा है दोनों में कंपेयर में। तो फाइनली एक्सपोनेंट ऑफ 3 को देख लीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 108 फैक्टोरियल, तो 108 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा इसका बॉक्स। करेक्ट है, अब 36 का 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका बॉक्स आएगा 12, और फिर 12 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इसका बॉक्स आएगा 4, और फिर 4 को आप फाइनली 4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इसका बॉक्स आएगा 1। अब आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा, यहाँ तक के आपने ऐड कर देना है, 36 और 2 38 और 10 48, 48 और 52 और ये आ जाएगा 53। कैलकुलेशन चेक आप कर लो, कोई इशू नहीं है, 53 है कि 54 है। ओके फाइन, तो एक बार और देख लेते, 36 और ये हो जाएगा 48, 52 53। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 108 फैक्टोरियल 53 है, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 108 ये आपका 53 होगा। तो ये डियर, ये था हमारा हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसको फाइनली मैं अब डिफाइन कर देता हूँ एक प्रॉपर वे में, कि मान लीजिए मेरे पास में एक प्राइम नंबर पी है, प्राइम नंबर पी, एंड we have to find out the exponent of prime p in n factorial। तो ये क्या हो जाएगा, आपको n को पहले p से डिवाइड करना पड़ेगा, उसका बॉक्स लेना पड़ेगा प्लस, फिर से जो ये रिजल्ट आएगा मतलब n by p के बॉक्स को वापस से p से डिवाइड करना है, मतलब n by p square प्लस फिर n by
पी क्यू का बॉक्स, और ये चलती जाएगा करेक्ट। अब ये चलते जाएगा कहाँ तक चलते जाएगा, तो ये हो जाएगा एन पी की पावर के, मतलब ये इस प्रकार से है ना। अब यहाँ फाइनली आप कब रुकते हैं, ये चेकआउट करना है करेक्ट है कि नहीं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, और ये तब तक कंटिन्यू करता है जब तक है कि जो लास्ट में जो बॉक्स का रिजल्ट आता है वो पी से कम आ जाए करेक्ट है। बस इतना बात ध्यान रखेंगे। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको 2-3 क्वेश्चन से एक आइडिया जा जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये रहे आपके लिए होमवर्क, मैं होमवर्क में आपको 5 क्वेश्चन दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल, आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 है ना इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 108 फैक्टोरियल। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर एन फॉर विच 35 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 की पावर n। डिविजिबल बाई 3 की पावर n मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंट ऑफ 3। जो एक्सपोनेंट ऑफ 3 n है वो n की वैल्यू हो जाएगी। और इसको देखो, इफ 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर k इन टू आई वेयर आई इज इंटीजर देन फाइंड k। देखो 100 फैक्टोरियल को आप एलोबरेट करके जो आंसर निकालोगे तो डेफिनेटली वो एक नेचुरल नंबर बनेगा, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन नेचुरल नंबर में आता है। तो ये इंटीजर है मतलब वो इंटीजर ही आना है, और उसमें सिर्फ 2 की पावर k मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 को फाइंड आउट करना है, जो आपको मालूम है ऑलरेडी आंसर 97 आता है करेक्ट इजली। तो फाइन, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पी इन एन फैक्टोरियल। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ जो मल्टीपल चॉइस वेराइटी का होगा, वो सेपरेट डिस्कस कर लेते हो ठीक है।